श्री राम समर्थ फरवरी 4। भगवान के नाम में ही वासना का क्षय निहित है। हम सब जीव वासना में उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही वासना से हुआ है। वासना का मतलब है जो है वह तो रहे और अधिकाधिक मिलता रहे। हम अभी ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन प्रारंभ करना है, इसलिए हम ऐसा कहे कि जो है वह तो रहे और जो अधिक मांगना है वह परमेश्वर से मांगे। इसका परिणाम यह होगा कि जो मिला है वह परमेश्वर ने दिया है, और अगर नहीं मिला तो ईश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसी समझ बढ़ती रहेगी और दाता परमात्मा है यह भावना भी वृद्धिंगत होगी। जो है वह भी उसकी इच्छा का फल है। ऐसी समझदारी बढ़कर आसक्ति और बेचैनी कम होगी, और आसक्ति कम होने लगेगी तब मुझे यह चाहिए यह नहीं चाहिए के भाव घटते रहेंगे। वासनाओं का क्षय होता रहेगा। केवल अपने पुरुषार्थ से वासनाओं के परे जाना असंभव है। इसके लिए परमात्मा के प्रति शरण जाने के अलावा कोई उपाय नहीं। योग्य संगति का भी इसके लिए उपयोग हो सकता है। यदि किसी बैरागी की संगति में आएंगे तो कपड़ों का प्रेम, कपड़े पहनने का शौक कम होगा, किंतु किसी सेठ जी की संगति में आएंगे तो बनाव सिंगार की प्रवृत्ति होगी। अतः हमें ऐसी संगति में रहना चाहिए जिससे शरणागत होने की भावना बढ़ने में सहायता होगी। ईश्वर की शरण जाने का या शरणागत होने का मतलब है उसे सर्वस्व समर्पित करके जीवन यापन करना। इसका अर्थ है कि हम उपाधि रहित बने। इसका तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे ही साधनों को जुटाना चाहिए या ऐसे ही साधनों के साथ रहना चाहिए जो उपाधि रहित हो। ऐसा साधन है भगवान का नाम स्मरण करना। काल, वेला, परिस्थिति, ऊंच नीच भाव, स्त्री पुरुष, विद्वत्ता अनाडीपन, अमीरी गरीबी, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य आदि कोई बात नामस्मरण में बाधा निर्माण नहीं कर सकती। नामस्मरण के लिए कोई साधन या उपकरण भी अनिवार्य नहीं होता, वह तो हम अपने हृदय में निरंतर रख सकते हैं। नामस्मरण में वैरागी के कष्ट नहीं है, वह तो हम कहीं भी कभी भी साथ में ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें विषय की आसक्ति, विषय के साथ होने वाली एकरूपता छोड़नी चाहिए। भगवान मेरे साथ है ऐसी श्रद्धा रखने पर वृत्ति विषय के साथ एकात्म नहीं हो पाती। हनुमान जी ने सीता जी को मुद्रिका दी, उसे देखने पर सीता जी को श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का स्मरण हुआ। इसी प्रकार हमें भी नामस्मरण करते समय ईश्वर का ही निरंतर स्मरण होना चाहिए, जो बंधा हुआ रहता है मानो उसने काल को पराजित कर दिया है। ऐसे लोगों के मन में मृत्यु का डर क्यों होगा? भगवान को सर्वस्व समर्पित करने के कारण उसके मन में वासना क्यों बची रहेगी? और जहां वासना बची नहीं है वहां मृत्यु का प्रवेश नहीं हो पाता। वासना नष्ट होने का मतलब है देह बुद्धि नष्ट होना। वासनाओं के क्षय में अहम की मृत्यु है, और अहम की मृत्यु देखने के लिए हमें भगवान का नामस्मरण निरंतर करना चाहिए। आज का मुख्य विचार यह पूर्णतया सत्य है कि वासनाओं का क्षय भगवान के नामस्मरण में है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।